पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ड्राई रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान है वो गोड्डा में 44.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जो सबसे अत्यधिक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो जमशेदपुर में 44.1 और डाल्टनगंज में 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं कि क्या सिनॉप्टिक पिक्चर झारखंड के ऊपर में है, तो एक ट्रफ या विंड डिसकंटिन्यूटी कहें तो उसके कारण थोड़ा सा मॉइस्चर है वो झारखंड की तरफ आ रहा है। आप बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या अलर्ट रहेंगे झारखंड के लिए, तो आज 20 तारीख में झारखंड में एकाधिक इलाकों में आपको हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिल सकती है। कल में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी, झारखंड में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 22-23 में थोड़ी सी हल्की बारिश का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कुछ एक इलाकों में आपको हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग साथ में देखने को मिल सकती है। तो अभी 4-5 जो दिन है उसमें आपको थोड़ी बारिश झारखंड में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और आंशिक बादल छाएंगे तो थोड़ा सा जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो अधिकतम तापमान है उसमें हल्का गिरावट देखने को मिलेगा 2-4 डिग्री का, तो जो उस लहर की स्थिति है उससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। आज की बात करें तो आज 20 तारीख में झारखंड के जो पूर्वी भाग है कोल्हान और संथाल वहाँ पर उष्ण लहर हीट वेव चलने की संभावना है, जबकि जो पश्चिमी भाग है और जो उसे सटा हुआ मध्य भाग है वहाँ पे क्योंकि आंशिक बादल आ रहे हैं और जो मैंने बताया कि ट्रफ एक विंड डिसकंटिन्यूटी है जिसके कारण थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है, तो हल्की बारिश की संभावना पश्चिमी भाग में और मध्य भाग में है। कुछ एक इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, उस समय हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो सकती है। तो पश्चिमी मध्य इलाकों में जो बादल आने की वजह से उसमें उस लहर की स्थिति नहीं बनेगी। और कल से बात करें तो कल से पूरे झारखंड में ही थोड़ा आंशिक बादल देखने को मिलेगा और आपको कुछ कुछ जगह पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी आने वाले जो 4-5 दिन हैं आज के बाद से उसमें उस लहर की स्थिति बनती हुई नहीं दिखेगी। और आज की बात करें तो आज 20 तारीख में जो पूर्वी भाग है संथाल कोल्हान उन जिलों में आपको उस लहर की स्थिति बनती हुई दिखेगी। तो लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सचेत रहेंगे और जो वार्निंग है उसको फॉलोअप करेंगे और कल से क्योंकि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी है तो थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वाला सिचुएशन बन रहा है, वैसे बादल बन रहे हैं काले घुंघराले बादल, तो उस समय पेड़ के नीचे पोल के नीचे ना रहें और अपनी सावधानी बरतें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से उससे दूर रहें। और उस लहर में लोग अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, शीतल पेयजल पी सकते हैं और जब तक जरूरत ना हो तो जो सुबह 11 से जो 4 का समय है उसमें ना निकले। टफन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।